मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए मोदी सरकार से विशेष बजट की मांग की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि उन्होंने 20,000 करोड़ के बजट की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन सरकार ने मोदी सरकार से मांगा 20,000 करोड़ का बजट। मध्य प्रदेश के बजट सत्र की तैयारी को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बोले, जनता के हित में होगा बजट, सभी वर्गों से ली जा रही है राय। उज्जैन सिंहस्थ को लेकर मोदी सरकार से मांगा 20,000 करोड़ का विशेष बजट। मध्य प्रदेश में जुलाई माह में विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है और इसे लेकर मोहन सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट लाने की तैयारी में है। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। सीएम मोहन यादव ने बजट को लेकर अफसरों के मंत्रियों की खास बैठक में बजट की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट जनता के हित में होगा, सभी विभागों से जानकारी ली जा रही है। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है। अभी बीच में हमने एक संवाद भी रखा था जिसमें सारे हमने वरिष्ठ जनों को भी बुलाए थे, विभाग के भी एक्सपर्ट लोगों को बुलाए थे और भी जो एक्सपर्ट हैं बजट से संबंधित उन सारे लोगों को बुला करके हमने प्रशासन एकेडमी में भी हमने कार्यक्रम रखा था और बाकी लोगों से भी आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करें। इतना ही नहीं, आगामी 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि हमने सिंहस्थ को लेकर 20,000 करोड़ के विशेष बजट की मांग की है। GST काउंसिल में भी हमने कुछ विषय रखे थे और बजट पूर्व जो बैठक रखी थी उन्होंने वित्त मंत्रियों की हर प्रदेशों के, उसमें तो हमने बहुत सारी जैसे 28 में सिंहस्थ हमारा उज्जैन का आने वाला है महाकुंभ, तो उसकी तैयारियों के संबंध में हमने कहा है, अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि लगभग 20,000 करोड़ की हमने मांग रखी है, अनुरोध किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अधोसंरचना में और भी आसपास में जो उज्जैन के आसपास में जो शहर हैं, इंदौर हैं, बाकी जितने हैं जहाँ से लोग आएंगे, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लंबे समय तक चलता है, तो उसकी तैयारी के संबंध में हमने आग्रह किया है। और भी कुछ बातें हमने रखी हैं प्रदेश सरकार की ओर से जो जो आवश्यक है, वो हमने सिंचाई योजनाओं के बारे में, केन बेतवा के बारे में, ऐसे मैंने कुछ विषय रखे थे जो सब समाचार पत्रों में भी आया है और अगर जानकारी होगी तो आपको और दे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के केंद्र सरकार से हमको पूरी तरह से विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी के वित्त मंत्री रहते हुए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए मध्य प्रदेश को बहुत कुछ अच्छा हमको सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। 19 दिवसीय सत्र में 12 बैठकें होंगी और इसी सत्र में बजट पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।